हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड केमिकल टेस्ट में काफ़ी कुछ कवर कर लिया था लाइक like मैं सीक्वेंस बताता हूँ जो मैंने सिक्स मेथड्स आपको बताए थे उसमें से जो सबसे पहला मेथड था वो था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड जो लिया था वो हम लोगों ने क्या लिया था कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात किया था हम लोगों ने तो कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन हम लोगों ने यूज़ किया थर्ड हम लोगों ने मोनोक्लोरिनेशन की बात की शन प्रोडक्ट कैसे बनता है फोर्थ हम लोगों ने ओरिस की बात की बट की नहीं मतलब कि ओजोनोलाइसिस क्लास में ही बताया था कि आप प्ले लिस्ट में जाके आप जाकर केमिस्ट्री क्लासेस सर्च करो यूट्यूब में प्ले में जाओ और वहां पर आप ओर्जिनोलाइसिस वन ओजोनोलाइसिस टू ओजोनोलाइसिस थ्री उसको कंप्लीट करो और मैंने आपको शायद ये भी बोला था कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये कंप्लीट कर लेना है मतलब आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इससे पहले तक ओके okay. तो ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अब अब सिक्स में से फोर कंप्लीट हो गया अब बाकी का क्या बचता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल टेस्ट तो केमिकल रिएक्शन तो चलता ही रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले रहा हूं बट अब बात आती है केमिकल टेस्ट की केमिकल टेस्ट मीन्स अब बेसिकली प्योरली हम लोग अब बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हम लोग प्योरली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल टेस्ट की बात करने जा रहे हैं तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं पीओ सी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी को हम लोग भी बोलते हैं केमिकल टेस्ट केमिकल टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी में कवर होते हैं एक्चुअली ये पीओसी की बेसिकली बात होने जा रही है अब यहां पर क्या है कि हम लोग दो तरह के मेथड बेटा यूज करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था एक होता है आपका क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक आपका होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस मैं आपको फिर से बोलूंगा कि ये पार्ट मैक्सिमम लोग स्केप करने की सोचते हैं बट यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि चार या फोर या एट मार्क्स आपके कवर्ड हैं और फोर फोर या एट मार्क्स बहुत मायने रखते हैं और बहुत सिंपल सा पार्ट है अब यहां पे देखो करने क्या जा रहा हूं मैं आपको कि जितने भी टेस्ट हैं जनरली हम क्या करते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं भूल जाते हैं वो रिएक्शन वो सब कौन सा कंपाउंड में कौन सा रिएजेंट यूज करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बड़ा प्रॉब्लम होता है बट मैंने एक नया क्राइटेरिया बनाया है जिसको हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं VKST. उसके बेसिस पे हम चीजों को हमेशा याद रख पाएंगे और चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और बहुत मजा आने वाला है सो कीप वॉचिंग और देखते जाओ और इंजॉय करते जाओ साथ, साथ में कुछ डिफरेंट तरीके से ही मैं आपके सामने इस पीओसी को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं एकदम डिफरेंट तरीका आपको नजर आएगा एंड दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू फॉर एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम इज फॉर नीट एम्स एफ एम सी जेमेन और एडवांस्ड कोई सब एग्जाम हो उन सब के लिए उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं दैट इज टोटली डिफरेंट टेक्निक एक्चुअली तो पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग कि भाई क्वान्टिटेटिव एनालिसिस क्या होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है थिंग्स कैन भी मैं पहले बता चुका हूं थिंग्स कैन भी एग्जैक्टली Quantified. Quantified. And here cannot be quantified. Cannot be quantified. Quantified. A quantified ka matlab, hamska quantity. We can find the quantity. We can find the quantified ka, ka. We can find the quantity of substance. Here we cannot. कैन नॉट सब जो डिफरेंस क्या क्या आ रहा है एक्चुअली में मीन्स यहां पर जो हम बात करेंगे वो क्या होगा लाइक like, uh, कोई भी इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं सो इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन कैलकुलेट वी कैन कैलकुलेट आप देखो मैंने यहां पर क्या बोला क्वांटिटी क्वांटिटी का मतलब परसेंटेज से हो सकता है अमाउंट से हो सकता है एटसेट्रा सो वी इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन कैलकुलेट क्या परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड

कैन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज की बात कर सकते हैं और अमाउंट अमाउंट की भी बात कर सकते हैं यहां पर हम सो यूजिंग क्वानिटीटिव एनालिसिस नाम से इसका आपको आ रहा है क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी सोचो ऐसे याद रखो ऐसे याद रखो क्वानिटेटिव मीन्स क्वानिटी एंड वट इज क्वान्टिटी क्वान्टिटी मीन्स परसेंटेज एमाउंट मास एक्सेट्रा तो चीजें हम एक्जैक्टली exactly कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक एक्चुअली ये मैंने लिखा यहां पर मैं इसको हटा रहा हूं देखते जाना आप क्योंकि इसमें और भी कुछ लिखना है मुझे तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अब उसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हम लोग यहां पर यूज करते हैं लेख यहां पर बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हालांकि वो चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे बट अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूं यहां पर पहले वी विल गो फर्स्ट फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस बट पता तो होना चाहिए ना कि बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों में सो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन कैलकुलेट वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट लाइक परसेंटेज ऑफ हाइलोजन परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ सल्फर सेट्रा हम इन सब का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं है ना? तो यहाँ पर हम लोग कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, अब कहां पे क्या यूज होगा वो हम बात अभी नहीं कर रहे लाइक like, एक मेथड यूज करते हैं टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस, कैरियस मेथड यूज करते हैं डुमाज मेथड यूज करते हैं ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं केलडोल मेथड यूज करते हैं एटसेट्रा कुछ लोग बट दिसरियसोडोल so, कहां कहां पर कैसे कैसे यूज होगा जब यहां पर पहुंचेंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे तो so, ये कुछ था इंट्रो अबाउट क्वांटिटिट एनालिसिस इन क्वांटिटिव एनालिसिस वी कैन एक्जेक्टली कैलकुलेट द क्वाफ सब्सेंस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्वानिटी मे बी इन टर्म्स ऑफ परसेंट मेबीन एटसेट्रा एंड Uh, हम यहां पर जो क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंटल वाइज किसका किसका कर सकते हैं बहुत सारे लोगों का कर सकते हैं बहुत सारी चीजों का कर सकते हैं लाइक like, हम यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर तो ये निकाल रहे हो जो परसेंटेज ये तो एक्जैक्ट अमाउंट हुआ ना बेटा ये तो क्वांटिटी हो गया ना सो दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक्चुअली एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ दीज परसेंटेज एक्चुअली वी यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स Like uh, Kears method, Dumas method, Kildall method etc. So this is called quantitative analysis और इसमें हम क्या करने वाले हैं ये intro इसका idea मैंने आपको पहले दे दिया but we'll go first qualitative analysis okay तो अब इसमें क्या है देखो ये था quantitative analysis now अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी that will be actually qualitative analysis so in qualitative analysis तो यहाँ पे quantify नहीं कर सकते हम चीजों क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं we can identify कैन आइडेंटिफाई हियर फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप और एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लो डिफ्रेंस क्या है हम यहां पर उसका परसेंटेज नहीं निकालने जा रहे हैं हम वहां पर यहां पर हम उसका अमाउंट नहीं निकालने जा रहे हैं वी कैन नॉट केंटिफाइट नॉट बी quantified. वी कैन नॉट एक्चुअली वी कैन आइडेंटिफाई उस कंपाउंड के अंदर सल्फर है कि नहीं है ये हम बता सकते हैं उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं वो हम बता सकते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइलोजन है कि नहीं वो हम बता सकते हैं उस कंपाउंड के अंदर सल्फर है कि नहीं वो हम बता सकते हैं उस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है लाइक अल्कोहलिक ग्रुप है इनोलिक ग्रुप है फिनोलिक ग्रुप है अल्डिहाइड्रिक ग्रुप है किटोनिक ग्रुप है एसिड है ईस्टर है एमाइन है नाइट्रो है सेनाइड है आइसोसाइनाइड है

कितना है वो नहीं बता सकते हैं तो कितना है वो हम यहां से बता सकते हैं तो हम यहां आप एक चीज लिखना चाहेंगे ऐसे करके क्या है ये यह हम यहां से बता सकते हैं कितना है ये यह हम यहां से बता सकते हैं कितना क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे सो so, अब हम एक लैंग्वेज में एक एक फॉर्म में बोले अगर कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट इज कितना है व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट इज कितना है एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है उसके अंदर तो कितना है उसके अंदर सब्सटेंस वो बता सकते हैं एलिमेंट वो बता सकते हैं उस कंपाउंड अंदर क्या है मींस कौन सा ग्रुप है कौन सा एलिमेंट है वो बता सकते हैं सो दिस दिस इज इज कितना है and this is क्या है एंड क्या एक लाइन में ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया बिटवीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है दैट इज कितना है एंड द क्वालिटेटिव एनालिसिस इज क्या है अब क्या है मतलब क्या है ये नहीं क्या है इसके अंदर वो दो तरीका है ना बोलने का क्या है वो नहीं भाई क्या है इस कंपाउंड के अंदर वो बता सकते हैं कितना है उसके अंदर एलिमेंट या जो भी अमाउंट वो हम यहां से बता सकते हैं सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस आई थिंक यू गॉट इट ओके सो अब आगे बढ़ते हैं सॉरी तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाली हैं अभी देखो मजा आएगा तो आई थिंक आपने यहां पर एक चीज तो समझ ली होगी कि अब आप ये चीज कभी नहीं बोलने वाले हो कि क्वान्टिटिटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है मैंने बता दिया कि क्वान्टिटेटिव एज कितना है लेकिन चाहूंगा एक बार फिर से क्वांटिटेटिव मीन्स हम सीधे बोलेंगे क्या है कितना है और क्वालिटेटिव हम सीधे बोलेंगे क्या है सो क्वांटिटेटिव इज़ कितना है एंड क्वालिटेटिव क्या है दिस सिंपल एक छोटे से लाइन में ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं देखो जरा सा और समझना जरा बात को कि अब हम जो बेटा बात करने जा रहे हैं दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस लाइक लिख दो शॉर्ट में क्या है की बात करने जा रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं क्या है उसकी बात करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं अब यहां पे बहुत सारे पार्ट आएंगे तो बेटर है कि हम वन बाय वन अब इसमें अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा क्या क्या है क्या, क्या क्या नहीं है तो बेटर कि हम एक एक करके स्टार्ट करें और फिनिश करते चले जाएं क्वांटिटेटिव में मैंने बता दिया क्या क्या हो सकता है क्वालिटेटिव वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं ओके okay? तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर ओके हाइड्रोजन कह सकते हो लोजन नाइट्रोजन सल्फर हाइलोजन नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन एंड सल्फर मीन्स किसी कम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर केवल हाइलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही सुन लो मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डोंट गेट कंफ्यूज मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की सो कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन बेसिकली सीधे बोलो यहां पे कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट सो कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट एलोंग विथ एलोंग विथ एलोजन उसके अंदर हो कार्बन तो हो ही हो सुनना कार्बन तो हो ही हो उसके अंदर हाइड्रोजन हो या फिर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो या फिर नाइट्रोजन हो ओनली नाइट्रोजन हो और प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होने ही होना है और फिर सल्फर हो कहने का मतलब कि कार्बन हो उस कंपाउंड के अंदर उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन हो कार्बन उस कंपाउंड के अंदर उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन सल्फर हो कार्बन हो उस कंपाउंड के अंदर उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन हो कार्बन उस कंपाउंड के, के, के अंदर और क्या हो सल्फर हो तो ऑर्गेनिक तो कंपाउंड की बात कर रहे so, हो टेस्ट करेंगे कंपाउंड इसका, इसका उस carbon, उस के अंदर हाइड्रोजन है कि नहीं है उसका टेस्ट उस कार्बन के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है कि नहीं बोथ बोथ एनएनएस उसका टेस्ट हम करेंगे पता करेंगे कंफर्म है कि नहीं है उसके अंदर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है उसका हम टेस्ट करेंगे पता करेंगे उस सल्फर है ऑर्गेनिक तो कंपाउंड की कर रहे हैं so, कार्बन तो जरूरी है ही जरूर और प्लस आप जिसका टेस्ट करने जा रहे हो तो भाई आप जिसका टेस्ट करने जा रहे हो वो भी होना चाहिए तो अगर आप हाइड्रोजन का टेस्ट करने जा रहे हो मिस अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है हम जैसे कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, है तो उसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी ये होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये होना चाहिए कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए कार्बन सल्फर होना चाहिए ओनली तो हम टेस्ट करेंगे कि भाई ये ये इसके अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये हो हो सकता सकता है है कि नहीं तो चीजों को एकदम बेसिक से लेके चलना ही बहुत जरूरी है क्या कॉन्सेप्ट है हमें वो समझना एक्चुअली में बहुत जरूरी है बात क्लियर है तो जैसे कि देखो अब बेटा यहां पर समझते हैं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ये, ये जो एलिमेंट जिनका हम एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं इनके लिए हम लोग एक चीज तैयार करते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तैयार अब कैसे तैयार करते हैं वो जरा देखते हैं ध्यान देना हमने क्या किया एक ट्यूब लिया उस ट्यूब के अंदर ये आप देख रहे हो हैज टू बी टेस्टेड इसका मतलब यही तो हमारा सैंपल होगा कि भाई उसके अंदर ये हो, ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है यानी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसी का सल्यूशन हम यहां पे डाल देंगे सो दैट विल बी दैट विल बी सल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग विथ इट हेलोजन और नाइट्रोजन सल्फर और नाइट्रोजन और सल्फर उसका डाला हमने और बाहर से हम क्या करते हैं इसमें सोडियम डालते हैं सोडियम और जब इसमें सोडियम बाहर से डालते हैं समझना तो जब हम बाहर से से सोडियम डालते हैं और उसके बाद सोडियम डालने के बाद हम इसको हीट करते हैं हीट इज रिक्वायर्ड क्या करते हैं बेटा इसको हीट करते हैं तो जब इसको हीट करते हैं तो सोडियम सुनना सोडियम के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा सोडियम इज Highly reactive metal. Sodium is highly reactive metal. So, during reaction, much more energy is released, is released, and that is used. एंड दैट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड समझो कुछ नहीं जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि तो मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूं प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये जो सोडियम होता है दैट इज हाइली रिएक्टिव अब रिएक्टिव मेटल है तो जब रिएक्शन होगा तो काफी कुछ एनर्जी रिलीज होगा और वो एनर्जी रिलीज होगा वो यूज हो जाएगा के अंदर वगैरह ये जो भी और भी चीजें लगी होंगी उन बॉन्स को तोड़ के वो एलिमेंट्स को अलग करने में so compound, to separate, to separate अब वो बॉन्ड टूट जाएगा तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट होने के बाद देखो क्या होने वाला है कि भाई इसके अंदर क्या क्या हो सकता था जरा देखना इसके अंदर अब देखो सोडियम आपने डाला है सेपरेट हो जाएंगे वो एलिमेंट्स और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सोल्यूशन का जो भी सोल्यूशन है बेसिकली ये काम करने के बाद जो भी सोल्यूशन आया है एक्चुअली में उसको हम क्या करेंगे डिस्टिल कर लेंगे डिस्टिल्ड एंड कलेक्टेड डिस्टिल्ड एंड कलेक्टेड फॉर्म इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और इसी टेस्ट का नाम जो है दिस टेस्ट इज कॉल्ड लसानी टेस्ट लसानी टेस्ट एल एस बोलेंगे लसानी टेस्ट आर आर यू यू गेटिंग गेटिंग पॉइंट पॉइंट आई टू से एक्चुअली तो देखो फिर से मैं एक बार बोलता हूं ध्यान देना कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है सुन लो फीलिंग फील क्या है एक्चुअली में हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइलोजन भी हो सकता है नाइट्रोजन सल्फर दोनों हो सकते हैं सल्फर हो सकता है या केवल नाइट्रोजन हो सकता है अब इस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन नाइट्रोजन और सल्फर या फिर हेलोजन राइट right? तो इन सब का टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उस कंपाउंड के सैंपल को जिसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट हैं उस सैंपल को हम इस ट्यूब में डाल देंगे वहां से हम सोडियम डालेंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा इन कंपाउंड के साथ और हाइली रिएक्टिव मेटल है और हाईली रिएक्टिव मेटल है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सबको तोड़ के एलिमेंट्स को लाइक ये एलिमेंट्स लाइक हाइलोजन नाइट्रोजन सल्फर नाइट्रोजन सल्फर इन एलिमेंट्स को अलग कर डालेगा और इसी सोल्यूशन को हम क्या कर लेंगे डिस्टिल कर लेंगे और कलेक्ट कर लेंगे तो वहां से हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट तैयार हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड लेसाने टेस्ट दैट टेस्ट इज कॉल्ड लेसाने टेस्ट तो जो लेसाने टेस्ट है ये कुछ इस तरह से हम करेंगे अब इस इस जो एक्सट्रैक्ट ये जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट तैयार हुआ है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है इसके अंदर वो जो एलिमेंट अलग हुए हैं वो वो लाइक like क्या हाइड्रोजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन सल्फर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बताओ नाइट्रोजन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है सल्फर हो सकता है है ना किसके साथ आ, लिंक हो सकता हो सकता है वो सोडियम के साथ लिंक होकर हो सकता है तो एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया भाई हमने अब जरूरी नहीं कि सभी हो कोई भी एक हो सकता है सबका परंपरा अलग अलग टेस्ट है वो टेस्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है आई थिंक बात क्लियर है ओके okay? तो आप इसको नोट करो फिर आगे की बात करते हैं ओके ओके okay? तो अब ये जो हमारे पास सुनो बेटा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आया तो उसके अंदर क्या क्या जा रहा है देखो सोडियम आपने डाला था अब इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि उसके सारे बॉन्ड को ब्रेक करके एलिमेंट को अलग किया अलग सल्फर को अलग कर दिया नाइट्रोजन सल्फर को अलग कर दिया नाइट्रोजन को अलग कर दिया सल्फर को अलग कर, कर दिया और उसके बाद फिर क्या होगा एक्चुअली में कि क्या यह सोडियम है और उसके अंदर सल्फर था सल्फर को अलग करेगा तो ये क्या बना देगा बताओ पेस्ट बना देगा अब उसके अंदर अगर ऐसे लिखो उसको। उसके अंदर अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों थे तो ये बना देगा क्या सीएन बना देगा सोडियम थायोसाइनाइड सोडियम थायोसाइनाइड सोडियम सल्फाइड उसके अंदर अगर हाइड्रोजन था तो क्या बना देगा यह एनएक्स बना देगा बात समझ रहे हो तो सल्फर है तो ये बना देगा अब उसके अंदर कर नाइट्रोजन है क्या है बताओ नाइट्रोजन तो फिर ये एन बना देगा तो अब क्या है ना कि देखो समझना बात को मैं क्या बोलने चाह रहा हूं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जब आपने सोडियम मिटरल सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तैयार करने की कोशिश की थी तो उस टाइम में आपने हीट किया था सोडियम डाला था तो उस उससे जो एनर्जी जो उसमें थी उस एनर्जी ने बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प की और एलिमेंट्स को अलग किया और चूंकि आपने सोडियम डाला तो एलिमेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करके इस फॉर्म में आ गए तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो सल्फर वाला पार्ट था वो यहां आ गया नाइट्रोजन या सल्फर वाला पार्ट जो एक साथ था वो यहां आ गया हाइड्रोजन वाला पार्ट था जो यहां आ गया नाइट्रोजन वाला पार्ट था वो ऐसे आ गया तो ये सब कहा है दीज ऑल दीज ऑल कैन बी कैन बी बोल रहा हूं जुड़ी नहीं सारे हो सकता कोई एक हो हो सकता है अगर दो की पॉसिबिलिटी दो या तीन की या चार या कोई सा भी हो सकता है सो दीज ऑल कैन बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ये सब प्रेजेंट होंगे कहां पर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में एंड दैट सोल्यूशन इट्स कॉल्ड दैट सोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ऑल्सो कॉल्ड लसाने सोल्यूशन लसाने सोल्यूशन तो आप इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलो या फिर लसानी सोल्यूशन जो भी सोल्यूशन बन के तैयार हुआ जिसमें यह सब प्रेजेंट है दैट हैल्यूशन इज कॉल्ड लसाने सोल्यूशन और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कुछ भी बोल सकते हो आप आपको बात क्लियर है तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई अब हमें टेस्ट करना है भाई देखो ये तो हम जान रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता बट एक्चुअली में अभी हमें तो कुछ दिखा रही है अभी तो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई ये बन सकता है ये बन सकता है ये बन सकता है ये बन सकता है और ये जो भी चीज देखो इनका एक स्पेशलिटी क्या है कि ये जो चारों चीजें यहां पे बनी है बेटा ऑल फोरस आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल ऑल फोर आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, कैन दैट इज कन्वर्टेड टू करो सोडियम 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 सल्फाइड सोडियम सोडियम हाइलाइड सोडियम साइनाइड हैं अब परपज ये हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होने से फायदा क्या मिला कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया एंड इज मोर सेल्यूबल दैट इज मोर सेल्यूबल ट इज मोर सेल्यूबल तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अगर हम कोई इनऑर्गेनिक रिएजेंट डालेंगे इसके अंदर तो बताओ इनऑर्गेनिक इनऑर्गेटी कैसा तो ज्यादा सैल्युबलिटी तो होगा और टेस्ट भी आसानी से देगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने लसान सोल्यूशन बनाया सोल्यूशन में जो कंपाउंड बन के आए दैट कंपाउंडिक मोर सेल्यूबल इन इनऑर्गेनिक रिएजेंट रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं हम उन की बात भी करेंगे तो हमें फायदा क्या मिला कि भाई हम इनऑर्गेनिक रिएजेंट डालेंगे हमें टेस्ट तो यही करना था ना कि भाई सल्फर है कि नहीं उसके अंदर सल्फर है कि नहीं उसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन है कि नहीं हाइड्रोजन है कि नहीं नाइट्रोजन है कि नहीं तो भाई हमें टेस्ट करना था हमने क्या क्या सोडियम सेक्ट बनाया और बनाया तो ये सारे कंपाउंड कन्वर्ट हो गए किस में इनगेनिक कंपाउंड में अब हम बाहर से कोई अगर इनऑर्गेनिक रिएजेंट डाल देंगे तो इनका सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा अच्छा होगा इसमें डिजॉल्व हो कोई एक पर्टिकुलर कम्पाउंड बनाएगा कि उसका कलर होगा या प्रेसिपिटेट होगा और पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए अलग अलग टेस्ट होंगे उनका कलर डिटेक्शन होगा और उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है या नाइट्रोजन सल्फर दोनों है या हेलोजन है या नाइट्रोजन है बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं तो एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बेटा दिक्कत कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए अच्छा एजेंट क्या क्या हो हम लोग यहां पर यूज करेंगे जनरली फ्रेश एफीएसओ फोर यूज करेंगे हम यहां पर फ्रेश एफीएसओ फोर एजीएन थ्री सोल्यूशन यूज करेंगे आप किसके लिए क्या क्या यूज करेंगे हम सब बताने यार एजीओ थ्री यूज करेंगे हम लोग यहां पर सोडियम ये पर्टिकुलर कंपाउंड हम लोग यूज करेंगे दिस कॉल्ड या फिर हम लेड नाइट्रेट यूज करेंगे तो हम फ्रफि या फिर हम यहां पर एफिसियल यूज करेंगे तो आप खुद देख लो कि जितने भी रिएजेंट्स हैं ऑल रियजेंट्स है, कहने का मतलब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इनऑर्गेनिक भाई ये भी पोलार है और ये कंपाउंड भी पोलार है सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है पोलैरिटी है इनके अंदर और ये जो इनऑर्गेनिक रिएजेंट आप ले रहे हो ये भी कैसे है पोलर है सो so, हमें एक सिंपल सा वर्ड पता है क्या पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक लाइक डिजोल्व लाइक तो भाई यहां से जो आपने लैसानी सोल्यूशन बनाया उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी पोलर है जो रिएजेंट आप यूज करने जा रहे हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एटसेट्रा उनके लिए भी आप जो रिएजेंट यूज करो दैट इज ऑल्सो इन ये भी पोलार है ये भी पोलार है तो ये सब्सटेंसेस या ये रिएजेंट जब इसमें डालोगे तो आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा और पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएगा और जो कंपाउंड बनाएगा उसके बेसिक वे देखेंगे भाई क्या हो सकता है वो तो आगे की बात है आगे देखेंगे चेक करेंगे तो कुछ ये हम रियजेंट यूज करने वाले हैं सब मैं आपको अभी याद कराने जा रहा हूं बड़े कहानी को समझो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं बेसिक तो समझो कि एक्चुअल होने क्या जा रहा है सब अभी हम एक लाइन में आपको सब याद करा देंगे सो डोन्ट वरी एट ऑल पीओसी आपके फिंगर में होगी ये गारंटी लेता हूं मैं पूरी की पूरी फटाफट फटा आप कंपाउंड को देखते ही बताने वाले हो कि क्या होने वाला है एकदम टोटली डिफरेंट तरीका आपके सामने आने वाला है ठीक है तो इस तरह से आपने देख लिया कि भाई ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट तो आप इनको बोल दो कि भाई अब ये रिएक्टेंट है अब हमारे लिए रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया रिएजेंट हो गया रिएक्टेंट रिएजेंट मिलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ मतलब क्या होने वाला है कि भाई ये है रिएक्टेंट प्लस ये है रिएजेंट और ये मिलेगा तो फाइनली क्या बनेगा प्रोडक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट दिस द बेसिस कैन बी प्रेसिपिटेट द बेसिस कैन बी कलर ऑफ प्रेसिपिटेट उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट के बेसिस पे हम बताएंगे कि उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन सल्फर दोनों है या फिर हेलोजन है या फिर ओनली क्या है सल्फर है तो अब ये रिएक्टेंट्स रेडी हैं दैट इज कॉल्ड लेसाने सोल्यूशन तो ये है आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज लेने सोल्यूशन ये रिएजेंट्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये आपस में मिलेंगे एंड बोथ विल बी सोल्यूबल Both will be तो रिएक्शन तो कहां से होगी तो एक फायदा लसानी सोल्यशन बनाने का और भी क्या हुआ यही हुआ कि अगर आप केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्ट डालते और उसमें डालते तो हो सकता है रिएक्शन ही नहीं होता सपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया वो था नॉन पोलर और सॉरी नॉन पोलर ये और ये पोलर है तो भाई पोलर नॉन पोलर कैसे रिएक्ट करेंगे एक बहुत बड़ा फायदा क्या मिला कि और जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड था हमने उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर लिया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया इनऑर्गेनिक रिएजेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तैयार हो गए रिएजेंट भी हम इनऑर्गेनिक डाल रहे हैं सो लाइक डिजोल्व लाइक ये भी पोलर है ये भी पोलर है लाइक डिजोल्व लाइक अब जब दोनों डिजोल्व होंगे कोई भी दो तो सब्सटेंस के बीच में अगर रिएक्शन करानी तो बेटा दोनों को मिलना पड़ेगा ना तो जब ये दोनों डिजोल्व होंगे तो रिएक्शन होगी प्रोडक्ट बनेगा और जब प्रोडक्ट बनेगा सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्ट वी कैन आइडेंटिफाई

नाइट्रोजन सल्फर है अगर दोनों है तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा हाइलोजन है तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन है तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इन सब के लिए हम जो रिएजेंट्स यूज करने वाले हैं दैट इज दीज ऑल द रिएजेंट तो मैंने काफी कुछ आपको डिटेल में बता दिया है अब हम क्या करेंगे कि अब इन सबको हम एक समझते हैं एक वीके एस टी के थ्रू समझते हैं वीके एस टी के थ्रू वीकेश जी के थ्रू समझने के बाद फिर इनका एक एक, एक रिएक्शन देख के ये लसानी सोलूशन का जो जितने भी टेस्ट हो सकते हैं पॉसिबल ये सारे आपके सामने हैं इनको कंप्लीट करते हैं ओके वन बाय वन सो फर्स्ट नोट डाउन ओके तो सारी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी क्या क्या थी बेटा मैंने आपको समझाया न हो अब जरा देखो कि मैं इसमें क्या ट्विस्ट लाने वाला हूं किस तरह से मैं आपको ये सारी चीजें याद कराने वाला हूं ओके okay? तो चलो आते हैं अब दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इज वी के एस टी हाउ टू लर्न ऑल द रिएक्शन ऑल द मैकेजम ऑफ दिस्टम सिस्टम थ्रू एस टी सेंटेंस देखते जाओ हेलो ठीक है हेलो अज्ञान अज्ञान किसी लड़के का नाम है हेलो अज्ञान मतलब बुलाया किसी ने अज्ञान को किसी लड़के ने बुलाया हेलो अज्ञान नहीं सुना उसने नहीं सुना फिर से पहले भी बुलाया होगा नहीं सुना होगा और फिर उसने बुलाया तो नहीं सुना फिर से नहीं सुना फिर से सो फिर क्या हुआ? नॉट फील बैड सोना नॉट फील बैड सोना नॉट फील बैड सोना चलो सो लेते हैं वॉट इज द सेंटेंस हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से तो उसको क्या बोला गया कि नॉट फील बैड सोना सोना नॉट फील बैड सोना चलो चलो सो लेते हैं ओके, सो नॉट फील बैड सोना चलो सो लेते हैं सुनो हेलो हेलो अध्ययन देखते जाना नहीं सुना फिर से नहीं सुना फिर से फिर को अगर हम ऐसे लिखे तो और ज्यादा बेटर होगा एफ फिर एफआईआर नहीं सुना फिर से ओके अब देखते जाना नॉट फील बैड सोना चलो सो लेते हैं देखते जाओ जरा सब सब कुछ आपके सामने फर्स्ट ट्रिक इसके थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा लेसानी सोल्यूशन का टेस्ट क्या क्या है वो सब समझाने जा रहा हूं हेलो अज्ञान एक पटुका कोई लड़की है इसने बुलाया अज्ञान को पहले ही बुलाया होगा नहीं सुना होगा फिर से बुलाया क्या बुलाया हेलो अ नहीं सुना फिर से तो उसको क्या बोला गया उस लड़की को कि नॉट फील बैड सोना चलो सो लेते हैं ओके okay, अब हेलो हेलो मीन्स हेलो जन एक्स अज्ञान साफ साफ दिख रहा है एजी तो जो एजी है उसको हम बेसिकली एजी थ्री बोलने वाले हैं देखते जाओ जरा साहब नहीं का मतलब नाइट्रोजन एन सुना सल्फर समझ रहे हो बात सल्फर yes. इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन सल्फर दोनों की बात हो रही है नहीं सुना फिर से अब फिर से मतलब एफिस फिर से एफ एफल थ्री नोट का मतलब नाइट्रोजन देखते जाओ नॉट कमेंस नाइट्रोजन फील इज फोर, अब जरा देखो सोना सल्फर चलो सो so लेते हैं सो मतलब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और दो तरह का लेते हैं लेड लेते हैं लेड लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला भी देखते जाओ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है एन ए टू एफ सी एन होल फाइव एन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा पी थ्री होल ट्वाइस दिस इज फॉर दिस इज दिस तो अब जरा सोचो बेटा यहां पर कि यहां पर इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन की बात हो रही है और सल्फर की बात हो रही है सो एन और एस की बात हो रही है इसका मतलब यहां पर जो रिएजेंट होगा याद करो एन एस सी एन होगा सॉरी रिएक्टेंट। और जो रिएजेंट है वो कौन सा होगा एफ थ्री होगा देखते जाओ यहां पर हेलोजन की बात हो रही है तो हेलोजन क्या बनाया था बताओ एजी बनाया था और रिएजेंट क्या होगा यहां पर बताओ जरा सा होगा ये लो देखो यहां पर नाइट्रोजन की बात हो रही है तो नाइट्रोजन की मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बनाया था? एन बना था और रिएजेंट यहां पे क्या होगा एफ एस ओ फोर एंड एफ एस ओ फोर शुड बी फ्रेश बताऊंगा सब कैसे कैसे वो जब हम रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे तो बॉडी डिटेल बताएंगे पहले इसको याद करो अब सल्फर की बात यहां पर हो रही है तो इसका मतलब सल्फर सल्फर का मतलब क्या होगा एन होगा टू एस सोल्यूशन में में NAPS होगा। नाइट्रोजन की बात हो रही तो में NACN होगा। नाइट्रोजन और सल्फर की बात हो रही तो में NACN होगा। और अगर हाइड्रोजन की बात हो रही तो लेसानी सोल्यून में एन होगा और उनके साथ ये रिएजेंट यूज किए जाएंगे फॉर द टेस्ट फॉर दी एलिमेंट्स एक्चुअली एनए प्लस क्या हो सकता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो सकता है एन ए टू सी एन होल फाइव एनओ और NU2S हो सकता है और प्लस का रिएक्शन किसके साथ हो सकता है नाइट्रेट के साथ ये। ये ये तो अब अब जरा देखो रिएजेंट्स रिएजेंट्स हैं ये मैंने आपको बताए थे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आपको लसानी सोल्यूशन का टेस्ट आपके सामने है सारे रिएक्शन सब कुछ आपके सामने सारा चीज मैंने आपको यहां पर बताया आपको तो यहां से सारा चीज क्लियर हो जाएगा अब आप चाहो तो यहां से रिएक्शन भी दिखा सकता हूं मैं आपको अभी रिएक्शन भी दिखा दूंगा अभी रिएक्शन दिखा, दिखा दूंगा फिर वन 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 बाय वन सबके रिएक्शन अलग अलग भी कर लेंगे और डिटेल में तो चलो क्या सेंटेंस है याद करो मेरे साथ एक्चुअली में ध्यान दो थोड़ा सा कम थोड़ा, थोड़ा सा चार पांच मिनट की मेहनत है बेटा एक बार आपने सेंटेंस याद कर लिया अब बताओ ये चीज आपको हमेशा याद रहेंगी दिस इज कंप्लीट लेस ए टेस्ट तो क्या बताओ हेलो अज्ञान हेलो अज्ञान अज्ञान एजी एनो थ्री ए जी आर एजी थ्री ये हो गया आपका रिएक्टेंट ये हो गया रिएजेंट रिएक्टेंट अगर हेलोजन के फॉर्म में है तो बेटा वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्राइट या लाइसा सोल्यशन में किस फॉर्म में होता है एनएक्स एनए के फॉर्म में होता है पहले ही बता चुका हूं स्लो ध्यान से अगर हेलोजन है तो लैसा सोल्यूशन में एनए एक्स के फॉर्म में होगा अगर केवल सल्फर है तो लैसा सोल्यूशन में एनए टू एस के फॉर्म में होगा अगर केवल नाइट्रोजन है तो लेसाने सोल्यूशन में एनएसएन के फॉर्म में होगा और अगर सल्फर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है तो लैसाने सोल्यूशन में एनए एस सी एन के फॉर्म में होगा तो चूंकि हाइलोजन की बात हो रही है तो कन्फर्म सोल्यूशन में के फॉर्म में होगा अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है कन्फर्म सोल्यूशन नाइट्रोजन और सल्फर की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही तो एनएसियन होगा अगर केवल नाइट्रोजन है तो एनएसियन होगा और अगर केवल सल्फर है तो एन होगा पहली चीज तो यह समझ लेते हैं क्लियर है बात तो देखो ये ट्रिक को भी ट्रिक से समझो तरीके से समझो तो हेलो अग्ञान मीन्स हाइलोजन अब एजी आ रहा है तो एजीएन थ्री नहीं सुना नहीं सुना मीन्स क्या है नाइट्रोजन और सोना मींस सल्फर सो नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ फिर से मीन एफी एफ थ्री नॉट फील बैड नॉट मीन्स नाइट्रोजन और फील मीन एफीएसओ फोर लो हो गया यहां से तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है तो एनएसएम के फॉर्म में हो गया एफीएसओ फोर हो गया एफ फील एफ फोर सोना बैड छोड़ सोना सल्फर तो सल्फर आपका क्या हो गया रिएजेंट रिएक्टेंट हो गया और वो किसके फॉर्म में होता है न्यूट्रोस के फॉर्म में होता है अब रिएजेंट देखो क्या आया चलो सो लेते हैं सो सोडियम इट्रोप्रोसाइड लेते हैं लेड नाइट्रेट सो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लेते हैं लेड नाइट्रेट और ये सारी चीज आपके सामने है। बात क्लियर है तो इस तरह से आप अगर चाहो तो दिस इज कॉल्ड दिस इज वीकेस्टी यूजिंग दिस वीके यू कैन कंप्लीट कंप्लीट लेसाने सोल्यूशन टेस्ट कंप्लीट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर और बोथ नाइट्रोजन सल्फर और सल्फर हेलोजन एट्स अच्छा एक चीज बताओ बेटा अब सिंपल से अगर हम इनकी रिएक्शन की बात करें तो आपको नहीं लगता है यहाँ से कि जो एनए एक्स है ए थ्री है तो एजी एक तो एक्स एक बना देगा और प्लस क्या बना देगा ये ए जी ए एक्स बना देगा और प्लस क्या बना देगा एन एनो थ्री बना देगा देखते जाओ अगर हम इसकी बात करें तो भाई यहां पर प्लस थ्री है कुछ नहीं है हो गया रिएक्शन हो गया काम आपका देखो पाँच पाँच मिनट में यह पूरा तैयार हो जाएगा और हमेशा के लिए तैयार कर सकते हो यहां पर प्लस थ्री है और यहां पर प्लस वन और माइनस वन है तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है? ये बनाएंगे एफ एस सी एन होल थ्राइस भाई इस पर है माइनस वन इस पर है प्लस थ्री क्रॉस लाइक अब एनएसएन है और एफ है एनएसएन और क्या है एफ है. तो यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एफ फोर एफर एफ सी एन होल सिक्स होल थ्राइस फेरिक फेरोसाइनाइट क्या बनता है फेरिक फेरोसाइनाइट कलर वगैरह हम डिस्कस करेंगे एक करके अब ये एन और ये अगर हम इन दोनों के रिएक्शन की बात करें तो ये एन ए टू एस प्लस एन ए टू सी एन होल फाइव एनओ जो है ये रिएक्ट करके क्या पता है क्या बनाएगा दिस विल फॉर्म एन ए फोर एफ होल फाइव एनओ एस सल्फर है सल्फर यहां आ गया अंदर या फिर एन ए टू एस है एन ए टू एस है एनी लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये बहुत सिंपल है आप खुद बना सकते हो बेटा ये प्लस टू है ये माइनस टू है सीधे सीधे पीबीएस बना देगा का प्रेसिपिटेट कलर वगैरह मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको अभी हम वन बाय वन सारी रिएक्शन डील करेंगे पहले आप स्ट्रिक को तो समझो और स्ट्रिक के थ्रू देखो रिएक्शन भी आपके सामने है रिएक्शन भी आपके सामने है भाई इन दोनों ने रिएक्ट किया ये बनाया है ना अब इसकी बात हुई देखो जब इन दोनों रिएक्ट किया तो ये बनाया जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये बना जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये बना दिस इज कंप्लीट सारी सोलूशन टेस्ट यहीं पर है इतना ही है बस अब वन बाई वन हम सारी रिएक्शन आपको समझा देंगे तैयार हो जाएगा बस काम खत्म है ना तो बेटा एक बार चलो रिपीट करो कोशिश करो मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करो पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ना है सब कुछ साथ साथ चलना है हेलो अज्ञान अज्ञान को बुलाया गया क्योंकि नहीं बुलाया हेलो अज्ञान पहले भी बुलाया था नहीं सुना था से बुलाया उसने हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से तो भाई बैड फील तो होगा हो ही होगा तो क्या बोला गया इसको ये बोला गया कि नॉट फील बैड सोना चलो सो लेते अब हलो हलो जन, एकस, अब हेलो हेलो जन सीधे तो तुरंत आपके माइंड में एनएक्स आना चाहिए पहले बता चुका हूं ए जी ए जी एनो थ्री इससे सिंपल तरीका बेटा कुछ नहीं हो सकता है मैं बता दे रहा हूं आपको नहीं सुना नाइट्रोजन सल्फर दोनों और नाइट्रोजन सल्फर अगर दोनों है तो किस फॉर्म में थे बताओ एनएसियन के फॉर्म में थे ये देखो फिर से एफ सी एल थ्री एफ एफल थ्री आयरन एफ एफल थ्री नॉट फील नाइट्रोजन एफ थ्री और नाइट्रोजन है तो एनएसियन के फॉर्म में और एफी है तो एफ एसओ फोर ना अब यहां से देखो जाओ इस पार्ट को देखो पूरा का पूरा सल्फर अगर है तो सोडियम सो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड लेते हैं लेड नाइट्रेट तो दो अलग अलग टेस्ट में आ जाएंगे इसके और भाई अब जब रिएक्शन की बात आई तो रिएक्शन फिर सिंपल थोड़ा सा थोड़ा सा कोशिश करो एनएक्स प्लस एनो एजीएक्स प्लस एनएन दे तो अब सीधे सीधे चार्ज के बेसिस से बना लो बेटा ये प्लस थ्री माइनस वन है होल हो गया, ये थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखो एन एस सी एन प्लस तो फेरिक एक फेरोसोनाइट बन जाएगा एन ए टू एस प्लस ये भी बहुत सिंपल है भाई अंदर घुस जाएगा एने टू एस प्लस एने टू एस अब आप देखो बैलेंस अब यहाँ पे ऐसे देखो दो सोडियम ये दो सोडियम है कितने हो गए चार दो सोडियम ये दो सोडियम कितने हो गए चार और सल्फर अंदर घुस गया अब ये तो आसान है ना भाई दो सोडियम ये दो सोडियम ये अंदर घुस गए चार हो गए और ये सल्फर था ये यहां चला गया ये बन गया कंपाउंड लेट सल्फ अब सोडियम सल्फाइड है लेट नाइट्रेट है बेटा ये तो इससे आसान रिएक्शन क्या है ये प्लस टू माइनस टू दिस विल बी लेट सल्फाइड और लेट सल्फाइड और सल्फाइड प्लस अगर आप साइड वाला भी बनाना चाहो तो क्या बन सकता है भाई ये वाला तो बहुत आसानी से है याद रख सकते हो भाई सोडियम ये सोडियम नाइट्रोपोइडला है बहुत वेल नोन बहुत ज्यादा आपको पहले से भी याद होगा ये कंपाउंड एक्चुअली में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो ये जो है दो सोडियम दो सोडियम चार सोडियम हो गए और इसको अंदर घुसा दो ऐसे ऐसे याद रखो इसको ये वाला आपको आराम से कर सकते हो बस ये वाला थोड़ा तो सा थो ध्यान रखो कि फेरिक एक फेरोनाइट बनता है फेरिक एक फेरोट बनता है अब इसका एक रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको एनएसएन सीधे सीधे रिएक्शन बना सकते हो सीधे सीधे रिएक्शन बना सकते अब यहां पर एक्स अगर क्या हो सकता है भाई क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो सकता है तो जो ये है वो क्या क्या बन सकता है अगर क्लोरीन हुआ उसके अंदर तो एजीसीएल बनाएगा अगर ब्रोमीन हुआ उसके अंदर तो एजी बनाएगा और अगर आयोडीन हुआ उसके अंदर तो एजी बनाएगा इसका आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है थोड़ा आइडिया दे देता हूं इसका पेल येलो मिलता है ये जो व्हाइट पीपीटी मिलता है सलूबल इन अमोनिया, सलूबल इन एन एच थ्री सोल्यूशन और एनएच फोर वो एच सोल्यूशन सिमिलरली ये भी सलूबल इन अमोनिया सोल्यूशन और एनएच फोर सोल्यूशन और ये इसका डार्क येलो मिलता है

तो अब हल्का और डार्क आप कैसे पहचान पाओगे भाई किसी भी सोलूशन को देख के तो इसका सिंपल सा इन दोनों का डिस्टिंग करने का तरीका क्या है कि जब कभी भी येलो कलर आ जाए तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो ये लाइट और डार्क पहचाना मुश्किल है कैसे पहचानेंगे भाई कि ये लाइट येलो है ये डार्क येलो इट्स इट्स डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली सो क्या है ना कि जैसे कि एजीबीआर और एजीआई इसका प्रॉपर्टी इधर देखो ना कि ये वाला जो एजीबीआर है ये अमोनिया सोल्यूशन है सलूबल है और एजीआई जो है वो सलूबल नहीं है तो अगर आप एजीबीआर बन गया है और ये मीन येलो मिला आपको जब करा है तो आप रिएक्शन कराए तो आपको येलो मिला अब आप नहीं पहचान पा रहे हो कि भाई पे येलो लो या फिर डार्क येलो कुछ नहीं करो अब उन्हें सोल्यूशन डाल दो उसको अगर डिजॉल्व हो गया तो एजीबीआर और अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो एजीआई क्योंकि ये सारे प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में तो अगर ये डिजॉल्व हो गया तो एजीबीआर येलो आने पे भाई इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ये तो व्हाइट दिख गया व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख गया एजीसीएल बना मतलब सीएल कंफर्म कि उसके अंदर सीएल है अब कंफ्यूजन यहां पर आता है कि भाई एजीबीआर एजीआई क्योंकि दोनों येलो दे रहे हैं अब लाइट येलो और डार्क येलो पहचाना मुश्किल है तो उसका सिंपल सा तरीका है आपको में डालो। अगर वो नहीं हुआ, तो एजीआई और अगर डिजोल्व हो गया तो आर तो ये मत जाओ ओके तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो आई थिंक ये ट्रिक मैंने समझाया आपके लिए बहुत यूजफुल है बहुत ज्यादा यूजफुल है बहुत ज्यादा काम आने वाला है सो यूजिंग दिस ट्रिक मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार कोशिश कर लो दस मिनट ज्यादा नहीं केवल दस मिनट उसका प्रैक्टिस करो का टेस्ट हमेशा और हमेशा आपको याद रहेगा नहीं भूलने वाले हो आप ओके फर्स्ट नोट डाउन ओके तो वह सब चीजें मैंने आपको बता दी बेटा वीके एस टी बता दिया मैंने आपको आप उसके थ्रू ही चाहो तो लेसानी टेस्ट यहीं पे खत्म होता है आप वहीं से कर सकते हो बट एक काम कर लेते हैं एक वन बाई वन एक बार करके रिएक्शन का कर पीटी वगैरह कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कैसे कंफर्म होगा वो देख लेते हैं जो मैंने ट्रिक बताई थी मैं उसको ब्रेक कर करके पर्टिकुलर जो चार फॉर्मेट हैं आइडेंटिफिकेशन के जो जो है वो करते हैं सबसे पहला याद करो हेलो अज्ञान हेलो अज्ञान हेलो अज्ञान हेलो हैलोजन अज्ञान देखो बेटा ए जी और यहां पे एन भी आ रहा है आप ऐसे देख रहे ए जी और यहां पे एन आ रहा है तो कंफर्म एजी एनओ थ्री है ये अब ये एक्स है मतलब एनए एक्स है और ये क्या है ए जी एनओ थ्री तो एक्चुअली में होता क्या है पोजिशन में देता हूं कि हमारे पास लशानी सोल्यूशन होता है उसमें हम एजी एनओ थ्री डालते हैं उसमें हम ए जी एनओ थ्री डालते हैं एक्चुअल तो हमें तो नहीं पता ना नहीं सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है प्रेजेंट है सल्फर है नाइट्रोजन सल्फर दोनों है या केवल नाइट्रोजन है हमें नहीं पता अभी तो हमारे पास क्या होता है कि होता है 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 वो वो जो जो एक्सट्रैक्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट और इसको क्या बोलेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अब हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है तो हम एजीनो थ्री डालेंगे तो अभी हमारे लिए अननोन है कि इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता है तो अब मैं दिखाता हूँ कि क्या तो हम इसके अंदर हम एजी थ्री डालेंगे एजीनो थ्री डालने के बाद अगर हमें यहां पर व्हाइट पीपीटी मिल जाता है तो कंफर्म कर देगा कि भाई उसके अंदर सेल प्रेजेंट है अगर पेल या अच्छा ये जो व्हाइट पीपीटी मिल जा रहा है दैट विल बी सल्यूबल इन अमोनिया सोल्यूशन और एक्वा अमोनिया बोल सकते हो और एनएच फोर ओ एच सोल्यूशन सब कुछ डिटेल में समझा दे

ल्यूबल इन दिस बोलो या फिर हमें क्या मिला डार्क येलो मिला समझाता हूं नॉट सल्यूबल इन नॉट सल्यूबल इन तो अगर हमें पेल येलो मिला और अगर वो एमोनिया सोल्यूशन में सल्यूबल है तो इसका मतलब उसके अंदर बीआर कंफर्म, ब्रोमीन कंफर्म? आई थिंक आप समझ रहे हो कि किस तरह से आगे बढ़ना है यह कुछ इस तरह से है ना तो मैं आपको एक स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या है कै? फिर हम पर्टिकुलर वही कंपाउंड लेके ही टेस्ट आपको बता देंगे बट एक्चुअल फैक्ट यही है कि हमारे पास लसान सोल्यूशन हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है हमने ए थ्री डाला और अगर ऐसा हो रहा है तब हम बोल पाएंगे कि भाई सीएल कन्फर्म रोमिन कन्फर्म अब दार्केलो पेसिफी डेट आया बट वो सल्यूबल नहीं है एक्वास अमोनिया में या अमोनिया सोल्यूशन में या फिर एन एच फोर सोल्यूशन में तो हम कन्फर्म बोल देंगे कि भाई उसके अंदर क्या है I yeah, iodine confirmed, iodine confirmed। बात क्लियर है बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है एक्चुअली में तो कुछ इस तरह से अब कंफर्म हो गया है तो चलो रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो देखो क्या रिएक्शन होंगे इसकी तो हमने क्या किया कि भाई हमारे पास सपोज AgX था एक्स जो यहां पर है वो क्या हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन हमने क्या किया लाइक पहले एजीसीएल लिया इसका जनरल रिएक्शन क्या होगा या ऐसे ले तो एजीसीएल लिया भाई यहां से एजीएक्स बना ये दोनों मिले और यहां से क्या बना एजीएक्स बना और प्लस एन ए थ्री बना अब इसकी बात कर रहे हैं अब ये एक्स क्या हो सकता है एक्स हो सकता है ये हो, हो, हो सकता है अब एजीसीएल बना और हमें इसका कैसा प्रिंट प्रेसिपिटेट मिलेगा व्हाइट कल ही समझा चुका हूं सोलूबल एक्वास एक्वस एनएस थ्री एक्सेट्रा और अमोनिया सोल्यूशन अभी बता चुका हूं हमें क्या मिला एजीबीआर तो इसका मतलब पे ले लो पीपीटी सोलूबल एक्वास एक्वस अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या हमें क्या मिला एजीआई का पीटी डीप या फिर डार्क ये लो नॉट इन फिर एन एच फॉर वोल्यूशन सो दिस इज हेलो अग्ञान दिस इज हेलो अग्ञान दिस पार्ट इज कंप्लीट। एक पार्ट हमने किया क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइलोजन क्या था आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइलोजन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइलोजन प्रेजेंट इन हालांकि स्टार्टिंग में सब समझा चुका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट कंप्लीट हेलो अज्ञान हेलो अज्ञान कंप्लीटेड चल अब सेकंड की बात करते हैं और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से नहीं सुना फिर से हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से देखते जाओ अब जरा नहीं सुना फिर से हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से तो नहीं मींस क्या नाइट्रोजन सुना मीन्स क्या सल्फर और फिर मीन्स क्या एफिसियल थ्री सुन लो अब मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगा डायरेक्ट रिएक्शन क्योंकि मैंने आपको बता दिया लशानी सोल्यूशन अब वही होगा यहां पर क्या एक्चुअली में क्या पास लशानी सोल्यूशन होगा और आप एफिसियल थ्री -E डालोगे अगर आपको एफिसियल थ्री -E अब लशाने सोल्यूशन और आपने उसमें अगर एफिसियल थ्री -E डाला और आपको अगर ब्लड रेड ब्लड रेड कलर मिला तो कंफर्म है कि उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन सल्फर इज कंफर्म सॉल्यूशन में आपने डाला और अगर आपको ब्लड रेड कलर मिल जाता है तो कंफर्म है कि उसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं। किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ब्लड रेड कलर मिलता है इसको हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड भी बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्लड ये मूवीज वगैरह की शूटिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है नहीं गोली मार दी खून निकल रहा है चाकू घोप दिया खून निकलने लगा अरे तो वहां पर ये इसी ये जो ब्लड कलर मिलता है ना ये आर्टिफिशियल ब्लड होता है इसी का यूज किया जाता है सो आर्टिफिशियल ब्लड के फॉर्म में हम ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा उसका यूज करेंगे अब क्या बनेगा वो देख लेते हैं तो लसान सोलूशन लिया एफिशियल डाला देख रहा हूँ नहीं सुना फिर से सेफिसियल थ्री ये डाला ब्लड रेड कलर मिला और ये आर्टिफिशियल ब्लड बोलते हैं इसको रिएक्शन देखो जरा इसका क्या होगा रिएक्शन तो एक्चुअल में यह क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जी सेकेंड पार्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर बूथ प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन देखते हैं भाई अब हमने अब नाइट्रोजन सल्फर है तो कन्फर्म है कि वो किसके फॉर्म में रहा होगा बेटा एनएससीएन के फॉर्म में एन एस सी एन तब क्या होगा कि एनएससीएन का रिएक्शन एफिशियल थ्री से रिएक्शन भी आपको याद करा चुका हूं थ्रो ट्रिक ये बेटा प्लस थ्री है और ये का पूरा माइनस वन प्लस वन है इन दोनों को कंबाइन कर लो तो क्या बनाएगा एफीएस -E फेरिक थायो कलर इज ब्लड इसी कंपाउंड का जो कलर होता है वो ब्लड रेड कलर होता है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड भी बोलते हैं सो दिस इज द रिएक्शन तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो बस वही क्या मैंने बताया कि क्या कंफर्म बताया था अभी नाइट्रोजन एंड सल्फर कंफर्म सो दिस इज सेकेंड अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या हो गया हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से और इसके बाद क्या था जब नहीं सुना फिर से तो फील बैड हुआ नॉट फील बेड नॉट फील बेड not नाइट्रोजन फील FeSO4 यहां पर जो हम FeSO4 लेते हैं ध्यान रखो पहले हम इसके बारे में देना चाहते हैं हम यहां पर इसको फ्रेश FeSO4 लेते हैं एकदम तुरंत ताजा ताजा बनाया हुआ सो वाई फ्रेश FeSO4 ऑफोर वाई फ्रेश FeSO4 क्यों ताजा बना बना है एफ फोर लेते हैं बिकॉज दिस एफीएसओ फोर अगर फ्रेश नहीं लिया कुछ देर का रखा हुआ है तो अगर इसमें एयर गया तो यह ऑक्सोडाइज हो जाता है तुरंत एफ ई टू एसओ फोर होफीएस होता है इसका ग्रीन क्रिस्टल होता है ग्रीन क्रिस्टल एफर का कैसा होता है ग्रीन क्रिस्टल होता है तो इसको फ्रेश लेना होगा कि अगर ये फ्रेश नहीं हुआ तो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है फेरिक सल्फेट में तो ये अपनी एफी प्लस टू का प्रॉपर्टी को क्या करता है लूज कर देता है इसलिए हमें सबको फ्रेश जब भी हमें तैयार जब भी हमें इसका यूज करना होता है हमको उसी समय इसको प्रिपेयर करना होता है फ्रेश लेना होता है अदरवाइज दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2SO4 होल थ्राइस थोड़ा सा भी एयर के कांटेक्ट में आया तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2 सो दैट्स व्हाई FeSO4 इज ऑलवेज टेकन फ्रेश कहीं पर भी पूरे केमिस्ट्री में कहीं पर भी अगर आपको FeSO4 यूज करना है यू मस्ट हैव टेकन दिस फ्रेश अदरवाइज इट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू एफ टू एस ओ फोर होल्सिडाइज टू दिस वन बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाता है

देखो जो रिएक्शन मैं आपको याद करा चुका हूं ऑलरेडी वही सब है सिंपल वही सब है कुछ नहीं है नथिंग एल्स सो यूज ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी चल रहा है जो काम होना था वो हो चुका है वो थ्री सिर्फ सिर्फ वीके एस टी के थ्रू तो काम हो चुका है आपका सारा सारा रिएक्शन सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको जैसे आप इसको लेसाने नहीं सोल्यूशन में -E डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ डायलू सी फोर हीट करोगे तो यहां पर जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो बनता है एफर एफीन होल सिक्स फेरिक फेरोसाइनाइट फेरिक फेरोसाइनाइट, ये यह कंपाउंड बनता फेरिक फेरोसाइनाइट बन जाता है तो भाई इसका तो ग्रीन क्रिस्टल था ये, ये तो ग्रीन क्रिस्टल था ये जो बनता है अगर अब देखो, अब क्या बना हमें नहीं पता हमने क्या क्या लैसानी सोल्यूशन लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया उसमें हमने ऊपर से फ्रेशोट डाला प्रैक्टिकली सोचो कि कैसे करना पीओसी प्रैक्टिकल होगा नहीं केमिस्ट्री के है भाई तो आपने लिया ऊपर से रिपोर्ट डाला और अगर आपको हमें हमको ये दिखेगा थोड़ी कि ये बना हम पता कैसे चलेगा हमको कि ये बना बस समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो क्या होगा कि अगर आपको प्रूशियन ब्लू कलर मिल जाता है क्या मिल जाता है प्रूशियन ब्लू कलर मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई एफ ये फेरिक फेरोसाइनाइट बन चुका है एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस टू फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इज कंफर्म्ड कि भाई उस कंपाउंड के अंदर इज कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड के भाई बार बार ऑर्गेनिक बोल रहा हूं बार बार ऑर्गेनिक बोल रहा हूं बात समझो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होना चाहिए अच्छा जैसे मैंने बोला भाई मैं नाइट्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जैसे मैंने कहा कि हमने हमारे पास ये है एन टू एक्स है बेंजीन, डायजोनियम हेलाइट अब क्लोरीन होगा तो क्लोराइड क्लोरीन होगा तो ब्रोमाइड, बेंजीन, डायजोनियम हेलाइट तो हम बेंजीन, डायजोनियम हेलाइट की बात कर रहे हैं अब यहां पे देखो इसको हीट कर रहे हो जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहां से N2 बाहर निकल जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा X बचेगा और प्लस N2 स्केप आउट हो जाएगा ये स्केप आउट हो जाएगा तो अगर स्केप आउट हो गया तो बताओ टेस्ट किसका करने जा रहे थे नाइट्रोजन का तो नो डाउट ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे कार्बन है नाइट्रोजन है जो हमें चाहिए था तो वो रिक्वायरमेंट है हमारे पास भाई यहां पर कार्बन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं तो उसके अंदर कार्बन भी है नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है बट आप यहां पर क्या कर रहे हीट कर रहे हो और जैसे हीट करोगे तुरंत एंटू को स्के यहां से एंटू बन डाइजोनियमलाइट से एंटू बाहर निकल जाता है एंटू बाहर निकल गया स्के निकल गया भाई खत्म उड़ गया अब यहां पर जब नाइट्रोजन बचा ही नहीं तो नाइट्रोजन का टेस्ट आप क्या खाक करोगे मतलब इसके अंदर सीएन होते हुए भी ये कंपाउंड ये पर्टिकुलर कंपाउंड, डाइजोनियम हाईलाइट जो है ये विल नॉट गिव ले सोल्यूशन टेस्ट ये एलएस नहीं देगा ये एलएस नहीं देगा एक्चुअली तो कौन एल एस देगा कौन एल एस नहीं देगा वो हमसे कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे बट यहां पर ये चीज बताना मुझे बहुत जरूरी था क्योंकि नाइट्रोजन की हम बात कर रहे थे तो अगर आप बेंजीन डाइजोनियम ले लेते हो तो वहां से क्या होगा एन टू निकल के स्मॉटफेयर में चला जाएगा अब उसके अंदर एन टू ही नहीं प्रेजेंट ही नहीं है तो अगर बेटा नाइट्रोजन नहीं है तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं प्लूशन ब्लू कलर मिलेगा ही नहीं इट मीन दिस विल नॉट गिव लेस टेस्ट तो ये नाइट्रोजन टेस्ट नहीं देगा दिस विल नॉट दिस विल नॉट गिव ऐसे लिखो दिस विल नॉट गिव नाइट्रोजन टेस्ट ये नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं देगा एक्चुअली में क्लियर है बात इसका तो रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट दिस विल नॉट गिव दिस टेस्ट एक्चुअली नाइट्रोजन का टेस्ट ये नहीं देगा एक्चुअली में ओके अब जो है इसका रिएक्शन देखो क्या होगा नॉट फील वाइट वही नाइट्रोजन था और यहां पर क्या था FeSO4 फोर और एफ एस ओ फोर होना चाहिए बेटा फ्रेश होना चाहिए एन जो है किस फॉर्म में बाहर आएगा बोलो एन एस सी एन के फॉर्म में बाहर आएगा अब इसका देखा जाए तो लिया एन एस इसका रिएक्शन हमने कराया तो पहले तो चलो करा लेते हैं एफ ई फोर से प्लस टू है बेटा ये ओके तो ये क्या बनाएगा एक्चुअली में फोर ओके देखते हैं तब ये बनाएगा क्या एनए Na2 एन ए टू एन ए फोर आई थिंक एन ए फोर एफिशियन होल सिक्स एन ए फोर एफिशियन होल सिक्स सोडियम फेरोसाइनाइट सोडियम फेरोसाइनाइट दिस इज कॉल्ड सोडियम फेरो तो बेसिकली आयन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है यहाँ प्लस वन इंटू फोर प्लस फोर थे माइनस फोर ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? प्लस फोर तो इसके अंदर जो आयन है वो बेटा कौन सा है देखो जरा साहब एफ होल सिक्स माइनस फोर ये आयन इसके अंदर प्रेजेंट है अब होता क्या कि जो एफ ई प्लस टू है जब आपने इसमें डायल्यूट फोर डाला सुनना तो एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट रिएक्शन दिखा दे रहा हूं मैं एफी प्लस टू वैल्यू सपोर्ट डाला तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एफी प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा फिर एफी प्लस थ्री इसके साथ रिएक्ट करके एफी सियन होल सिक्स माइनस फोर के साथ रिएक्ट करके अब बेटा यहां प्लस थ्री यहां माइनस फोर है ट्वेल्व चार्ज का अब देखो तो अगर यहां पे फोर ले लें चार्ज को बैलेंस करना बेटा अब जरा देखो बारह ये हो गया बारह ये हो गया ध्यान से देखते जाओ यहां तक क्लियर है अब आपने क्या किया ये कि जो एफ प्लस टू था उसमें आपने क्या डाला डायलूट एस डाला इसने एफ प्लस थ्री बना दिया अब ये जो एफ प्लस थ्री है इसका रिएक्शन होना है किससे होल सिक्स ये सब आप वीके एस से डायरेक्ट भी लिख सकते थे अभी हम कंप्लीट जा रहे हैं ये अगर आप नहीं भी करो नो प्रॉब्लम यूज डायरेक्ट वीके एस बट मैं चूंकि फिर से मैं बार बार वही बोलूंगा मुझे बताना है तो सब कुछ बताना है भाई अब तो यहाँ पे माइनस फोर है अब बेटा चार्ज कैसे बैलेंस हो तो काम करें फोर इधर कर ले थ्री इधर कर ले तो हो गया बारह प्लस बारह और ये हो गया माइनस बारह हो गया बैलेंस अब एफ कितने है? फोर हैं तो एफी फोर प्लस ट्वेल्व है माइनस ट्वेल्व है इसमें बस ये होल थ्राइस हो जाएगा जैसे एफी फोर हो गया वैसे पूरा का पूरा होल थ्राइस हो जाएगा तो क्या बना जाएगा एफी सी एन होल सिक्स दिस होल इज फेरिक फेरो और यही जो फेरिक फेरोसाइनेट बनता है इसका जी जो कलर होता है दैट इज प्रूशियन ब्लू कलर प्रूशियन ब्लू कलर और जैसे प्रूशियन ब्लू कलर हो मिलता है हमको हम बोलते हैं नाइट्रोजन इज क्या था नाइट्रोजन इज कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन इज कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली ओके okay? तो चलो भाई नाइट्रोजन हो गया हाइड्रोजन हो गया नाइट्रोजन सल्फर हो गया सल्फर क्या देख लेते हैं फोर्थ टेस्ट ऑफ सल्फर हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से नहीं सुना फिर से नॉट फील बैड नॉट फील बैड सोना चलो सो लेते हैं इन सल्फर के टेस्ट की बात हो रही है छोड़ दो शको. सो सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड लेते हैं और इसमें क्या लेंगे लिड नाइट्रेट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या फिर क्या बताओ लिड नाइट्रेट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या फिर क्या लिड नाइट्रेट फिर वही हमने लेसानी सोल्यूशन लिया उसमें हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दिया एन Fe CN होल फाइव एन ये डाला लेसानी सोल्यूशन था ये डाला जैसे ये डाला हमें मिल गया यहां पर एनए फोर एफिसियन होल फाइव एनओ एस वायलेट कलर वायलेट कलर दिया मींस मींस सल्फर कन्फर्म अब एक्जैक्ट रिएक्शन भी दिखा दूंगा फिर से मैंने लैसानी सोलूशन लिया उसके अंदर मैंने लेट नाइट्रेट डाल दिया लेट नाइट्रेट डाल दिया अब लेट नाइट्रेट डाला तो देख लो यहां से हमको मिला पीबीएस पीपीटी ब्लैक पीपीटी मिल गया ब्लैक पीपीटी तो अगर ब्लैक पीपीटी मिल गया है इट मींस फिर से वही सल्फर कंफर्म्ड तो दो टेस्ट हम यहां पे कर सकते हैं सल्फर कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सल्फर कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके नोट करो तेजिस बेटा इसको ओके okay, तो नोट कर लिया आपने चलो अब रिएक्शन देखते हैं फटाफट तो इसके अंदर जो सल्फर है बेटा वो Na2S के फॉर्म में है देखो जरा सा पहला हमने लिया Na2S ए टू सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड एन ए टू एफी होल सिक्स NO. एनओ इसका मैंने तरीका भी बताया था बहुत सिंपल सा दो सोडियम यहां पे दो सोडियम यहां पे इस सल्फर को यहां अंदर घुसा देना है और दो, दो, दो मिल दो मिलके कितने हो गए चार सो एन ए फोर एफ CN whole five NOs. This is violet color. Violet color means or दूसरा क्या हो सकता है Na2s plus PbS एस ये भी तरीका है सॉरी ब्लेड नाइट्रेट पीबीएनओ थ्री होल बोलो बेटा टी minus two है ये plus two है दोनों मिल जाएंगे क्या बना देंगे PbS बना देंगे और प्लस चाहो तो आप यहां से NaNO3 ले लो छोड़ो ये तो सोल्यूशन में ही रहेगा ये जो पीबीएस बन लेगा इसका ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा आपको ऐसा अगर हो जा रहा है सो सल्फर इज कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर इज कंफर्म्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सो इज ऑल टेस्ट अबाउट जो मैंने आपको बताया लेसाने टेस्ट लेसाने सोल्यूशन टेस्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का यूज करके हम किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है कैसे पता लगाएं नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है कैसे पता लगाएं हाइड्रोजन प्रेजेंट है कैसे पता लगाएं या सल्फर प्रेजेंट है अकेले कैसे पता लगाएं वो सारी चीजें आपके सामने हैं और ये जो जो मैंने चीज आपको बताया है ये आपको बीके एस से ही तुरंत आप मैक्सिमम एक एक से डेढ़ मिनट में आप पूरा का पूरा टेस्ट के बारे में बात कर सकते हो और अगर सही से प्रैक्टिस करो तो सेकेंड्स में आप काम कर सकते हो सो कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमको टेस्ट करना है किसका किसका कैसे तो so, ये कंप्लीट दिस इज अबाउट ऑल अबाउट लहसन ए सॉल्यूशन टेस्ट और सोडियम थ्रूजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट की हमने बात किया उसका यूज करके हमने आइडेंटिफाई किया सम एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सल्फर बोथ और हैलोजन और सल्फर ओके अब एक चीज और फटाफट देखो पॉजिटिव टेस्ट ऑफ लेस एन ए और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट पॉजिटिव टेस्ट कौन से कंपाउंड दे सकते हैं कौन से नहीं दे सकते तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंपाउंड के अंदर कार्बन होना चाहिए या फिर और और उसके अंदर एक्सो हेलोजन हो या फिर एन और एस दोनों हो और क्या हो एन हो और एस हो ऐसा अगर है कार्बन इज नेसेसरी, देन दिस विल गिव पॉजिटिव लेसाने सोल्यूशन टेस्ट और पॉजिटिव सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट सोल्यूशन टेस्ट ओके देखा जाए एग्जांपल्स, सो so, एग्जांपल्स देखते हैं जैसे हमने कहा अभी मैं फिर से ले रहा हूं एग्जांपल वो वाला तो पहली चीज तो इसमें एन टू एक्स ये तो ध्यान रखो इसमें एन टू उड़ जाता है एन टू निकल ही जाता है स्केप आउट हो जाता है जब हीट करते हैं यादव बता चुका हूं मैं आपको तो इसमें जो बचता है वो ये बचता है तो अगर हम बात करें कि क्या ये नाइट्रोजन टेस्ट देगा सो नो नॉट नाइट्रोजन टेस्ट नहीं देगा ये नाइट्रोजन टेस्ट ये नहीं देगा एक्चुअली में पहले बता चुका हूं अब जरा देखो अब हमने कहा NH4NO3 फोर एनओ थ्री कुछ एग्जाम्पल लिखते जाते हैं चलो एनएच फोर एन ए थ्री एनएच फोर NaCl, S C N C H three समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ओके okay. जैसे कि हमने ये लिया C2H5Cl CH3Br एस थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल एनएससी बोलो एनएससीएन या फिर और एनएसएल है ना छोड़ो इनकी बात करें और इज द कंडीशन नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस दिस वन दिस वन दसेसरी कंडीशन भाई कार्बन होना चाहिए और ये होना चाहिए तो चेक करते जाओ क्या इसके अंदर कार्बन है नहीं है अरे तो निगेटिव नहीं देगा कार्बन है नाइट्रोजन है बोलो मतलब इसको लिखे अगर सी एस थ्री सी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं ना दिस दिस कार्बन है पर आप टेस्ट किसका करने जा रहे हो नाइट्रोजन का सल्फर का नाइट्रोजन सल्फर का नहीं देगा।, नहीं देगा है नहीं नहीं देगा, ही वो चीज कार्बन है बट हम जिनकी बात कर रहे हैं वो नहीं है NA2S, हाँ भाई ये कार्बन है और ये। अब जैसे NA2S, हम जैसे पे ले, ले रहे हैं ना बेटा तो ये मैं एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट बट कंडीशन क्या है कि आपको कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेक करना है तो अगर एक्सट्रैक्ट में बोला गया तो ठीक है बट अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन और हो ये होना जरूरी है तो यहाँ पर देखो कार्बन हेलोजन कार्बन हेलोजन कार्बन हेलोजन ये देगा ये देगा ये देगा बात समझ में आती है तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं यहां पर कि कौन देगा कि कौन नहीं देगा लाइक हमने लिखा है यहां पर सी एस थ्री एस सी एस थ्री चलो बताओ सी एस थ्री एस सी एस थ्री अब ये क्या सल्फर का टेस्ट देगा यस बिल्कुल देगा कार्बन भी और सल्फर भी है कार्बन भी है और सल्फर भी है मैंने कि हमारे पास है सी एस थ्री एनओ टू क्या नाइट्रोजन का टेस्ट देगा यस बिल्कुल देगा कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है समझो बात को समझो बात को यहां से अभी पहले आपको कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन चाहिए और प्लस इनमें से कोई एक चाहिए मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर चाहिए तो कार्बन है बट यहां पे इन चारों में से कोई नहीं है कार्बन है नाइट्रोजन यस है कार्बन है बस इन चारों में से कोई नहीं है नहीं देगा कार्बन है हेलोजन है कार्बन है हेलोजन है कार्बन है हेलोजन है देगा ये सब देंगे कार्बन है नाइट्रोजन है देगा कार्बन है सल्फर है देगा कार्बन है सल्फर है हमने लिखा समझ यहां पर सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव एस एस सी एन कार्बन है सल्फर है नाइट्रोजन है यस दिस विल गिव दॉवे सॉल्यूशन टेस्ट तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन पॉजिटिव सोल्यूशन टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा एक्चुअली बोलो कोई भी देख सकते हो आप जैसे आपने लिखा यहां पर नाइट्रोबेजीन एनो टू तो कार्बन है नाइट्रोजन है यस सोल्यूशन टेस्ट सोलूशन टेस्ट आपने यहां पर लिखा? बेंजीन है यस हाइलोजन है डिसने टेस्ट तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पॉस्टुलेशन टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा दिस इज द कंडीशन अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है देन आप बात कर सकते हो कि कौन पॉस्टुलेशन टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा तो ये इसके पहले मैंने जो यहां पर एन टू एस लिख दिया था एन एस सी एन लिख दिया था वो मैं एक्सट्रैक्ट समझ के लिख दिया था बट नहीं आपसे वो नहीं पूछा जाएगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही देखना होगा और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन है उसके पास उसके पास ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए फ्री होना चाहिए अगर ये प्रेजेंस है देन दैट विल गिव द पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट टेस्ट ऑफ ऑफ और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट तो इस तरह से हम लोगों ने ये ये पीओसी का पहला पार्ट जो था केमिकल टेस्ट तो चल ही रहा है एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक में आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फर नाइट्रोजन और सल्फर नाइट्रोजन बोथ और हेलोजन ये हमने कंप्लीट किया वीकेएसटी बताया मैंने आपको तो बेटा वीके ये सब तो ठीक है जो भी मैंने बताया बट यूजिंग वीके आप सेकेंड्स में काम कर सकते हो जो भी कहानी मैंने आपको समझाई है उसका निचोड़ वीके है उसका फाइनल जो है वो वीके है तो आई होप कि जो भी मैं वीकेएसटी आपको बताता जा रहा हूं दैट विल हेल्प यू मच 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 मोर बेटा बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है आपका वो तो उसका यूज करो और ये जो वीकेएसटी आपको मिल रहा है मैं स्पेशली खुद बनाता हूं ये कि किसी का कॉपी नहीं है ये मैं एग्जैक्टली exactly आपको बता देता हूं तो इस तरह से ये दिस इज फॉर द बेटरमेंट मैं मैं मेहनत करता हूं आपके लिए कि किस तरह से किस तरह से ये सारी चीजें जो हैं वो आप कैसे फिंगर में कर पाओ अब आप फिंगर में कर सकते हो लसानी सोल्यूशन ये इनका टेस्ट क्या था हेलो अज्ञान हेलो अज्ञान हेलो अज्ञान मतलब क्या हेलो हेलोजन अज्ञान ए जी थ्री रिएक्टन पता हो गया रिएजेंट पता होगा हेलो अज्ञान नहीं सुना फिर से नहीं सुना एस फिर से एन एस और पर एफ आर एफ एल थ्री नहीं सुना फिर से हेलो ज्ञान नहीं सुना फिर से नॉट फील बैड नॉट एन फील एफ ओफ फील तो नॉट मीन्स एन नाइट्रोजन और फील मींस एफ एस ओ फोर नॉट फील बैड सोना चलो सोना चलो तो अब क्या है नॉट फील बैड सोना सोना और सोना एस सोना में क्या गया एस चलो सो लेते हैं तो सोना में ऐसा गया सो में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और लेते हैं अरे भाई हो गया तो रिएक्टन पता रिएजेंट पता उनके कलर पीपीटी पता सब कुछ तो भी से हो गया था फिर मैंने डिटेल डिस्क्राइब किया कि थोड़ा सा एक्चुअली बेटा इन सब मैकेनिज्म से क्या कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है फिर आपको बताया कि कहां पर लेसन सोलशन पॉजिटिव टेस्ट हो सकता है कहां पर लेसन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं हो सकता है सो दिस इज कंप्लीट लेसन ए सोलूशन ओके सो आज इतना ही रखते हैं बेटा ओके थैंक यू थैंक यू आई होप बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा मस्त और जबरदस्त तरीके से और बेटा मैं एक चीज बोलूंगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनते जाना नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना ठीक है साथ साथ नोट्स बनाते जाओ उनकी समरी बनाते जाओ और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा एक अच्छा कमांड आएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में टिल देन थैंक यू सो मच बेटा गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल खूब पढ़ो खूब लिखो खूब आगे बढ़ो वाई नॉट डी